दोस्तों आप सभी को जानवरों से प्यार तो होगा ही होगा, पर आज के वीडियो को देखकर आपके बदलेंगे थोड़े से ख्याल, क्योंकि गुस्से में ये जानवर कर देते हैं इंसानों का बुरा हाल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों पैरट बहुत ही प्यार और फन लविंग बर्ड होते हैं और ये इंसानों के काफी चहेते भी होते हैं, पर इनका ऐसा बिहेवियर शायद ही पहले कभी आपने देखा होगा। बीबीसी नेचर डॉक्यूमेंट्री के दो लोग पैरट पर फिल्मिंग कर रहे थे। वो शूट करने के लिए पैरट के पास गए तो पैरट कैमरा को देखने लगा और उसके पास आने लगा और कैमरे को अपनी चोंच से टच करने लगा। शायद उसे ये बहुत ही अजीब लग रहा था, पर कैमरामैन को काफी मजा आ रहा था, पर थोड़ी ही देर में मजा किरकिरा हो गया। पैरट उसके सर पे चढ़ के बैठ गया और अपने पंखों से उसे थप्पड़ मारने लगा। कैमरामैन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि भाई माजरा क्या हो गया। इतना ही नहीं, उसने अपने पंजे से उसकी गर्दन और चेहरे पर भी हमला किया। इस कैमरामैन की तो शामत ही आ गई थी, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मासूम सा दिखने वाला ये पैरट उसकी ये हालत करेगा। इसीलिए कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब शायद ये शूट करना ही भूल गए। दोस्तों बैल के गुस्से के किस्से तो आप सभी ने सुने होंगे। बैल काफी गुस्सैल जानवर होता है, गुस्से में उसका खुद पर काबू नहीं रहता, वो बस जो सामने आए उसे ही मारने लगता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लड़कों का एक ग्रुप हाईवे पर बुल कार्ट में जा रहा था। ये कार्ट पूरी तरह से फुल्ली लोडेड था। लड़के चिल्ला रहे थे और बैल को मार रहे थे ताकि वो जोर जोर से दौड़े। दोस्तों बैल शोर से परेशान होकर जोर से दौड़ने लगा और एक यू टर्न पर वो रोड के पार चला गया और फुटपाथ से टकरा गया। लड़के मुंह के बल रोड पर गिर पड़े और बैल कार्ट से आजाद होकर भाग गया। ये हादसा सबने देखा और लड़के काफी शर्मिंदा हुए। दोस्तों किसी भी जानवर को परेशान करने से पहले 10 बार सोचिएगा, ये आपके साथ भी हो सकता है। जी हाँ, वैसे ऊंट को काफी शांत जानवर माना जाता है, लेकिन जब ये अपनी वाली पे आता है ना, तो इनसे ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक जानवर कोई हो ही नहीं सकता। ये ऊंट आप जो देख रहे हैं ना, इसे किसी ने कड़ी धूप में खजूर के पेड़ के नीचे बांध लिया था। छुड़ाने की कोशिश में ऊंट की गर्दन जख्मी हो गई और दो आदमी वहां से निकल रहे थे। इन्होंने इसे देखकर उसकी मदद करने का सोचा। वो लोग ऊंट के पास गए और रस्सी खोलने की कोशिश करने लगे। अब ऊंट समझ नहीं पाया कि आखिरकार हो क्या रहा उसके साथ। उसे लगा कि ये लोग भी उसे परेशान करेंगे और उसने इनमें से एक आदमी की गर्दन मुंह से पकड़ ली और उसे जोर से उठाकर फेंक दिया। ये देखकर दूसरे आदमी की तो हालत ही खराब हो गई। वो डर गया और छोड़कर उन्होंने पहले अपनी जान बचाई। तो देखा दोस्तों, मदद करना भी ना कभी कभी कितना भारी पड़ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे जीव से मिलवाने वाले हैं जिसको किलर ऑफ मैन कहा जाता है, और इसकी पता नहीं क्या दुश्मनी है इंसानों से कि अगर ये कोई इंसान देख लेता है ना, तो सीधा उस पर हमला कर देता है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये तो यार कोई मुर्गे जैसा है, ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, तो जरा रुकिए जनाब। ये मुर्गे जैसा दिखने वाला जानवर अब तक बहुत से इंसानों को मौत के घाट उतार चुका है, और ये सबसे ज्यादा हम मर्दों पर ही हमला करता है। जी हाँ, पर डरने की कोई बात नहीं है गाइस, ये मुर्गा हमारे देश में नहीं पाया जाता, वरना आज ये हमारा नहीं बल्कि हम इसका शिकार करके तंदूरी मुर्गा बना रहे होते। खैर दोस्तों, पर जहाँ पर ये है वहाँ पर इसने काफी लोगों को जख्मी कर रखा है, आतंक मचा रखा है। मानिए इससे दूर भाग के भी फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो ये हमसे भी तेज भाग लेता है और हम तो थक जाते हैं। ये तो मतलब भागता ही रहता है, और ये अपने एक किक से किसी की भी ऐसी तैसी कर सकता है जिससे उसको उसकी नानी दादी याद आ जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।